दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति दोपहिया वाहन चालकों के लिए खास फायदे का सौदा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो पेट्रोल की तुलना में इलेक्ट्रिक में दोपहिया वाहन से सालाना 20 से 22,000 रुपए तक की बचत होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू किए गए स्विच दिल्ली अभियान का एक सप्ताह हो चुका है। दिल्ली सरकार का दावा है कि नई नीति लागू करने और यह अभियान शुरू करने के बाद लोगों ने बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू होने के बाद से अब तक 630 नए इलेक्ट्रिक दोपहिया पंजीकृत किए गए हैं और रोजाना इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि असली बचत पेट्रोल या इलेक्ट्रिक वाहन के संचालन लागत में है। पेट्रोल दोपहिया से इलेक्ट्रिक दोपहिया पर स्विच करने पर करीब 1650 रुपए से 1850 रुपए की मासिक बचत होगी। इस तरह सालाना ये बचत पेट्रोल स्कूटी से इलेक्ट्रिक स्कूटी के मामले में 22,000 रुपए और पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक के मामले में 20,000 रुपए की सालाना होगी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।